नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान कला और संस्कृति विषय जो है, यह एक टॉपिक संत व संप्रदाय नाम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सिलेबस में टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर विभिन्न संतों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज जिस संत को हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है संत जांबो जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कला और संस्कृति की एक प्लेलिस्ट आप देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी आप सबको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप चेक भी करें। लास्ट वीडियो में हमने संत जसनाथ जी का सामान्य परिचय याद किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और संत जिनका नाम है संत जांबो जी, जिनका सामान्य परिचय आज हम सीखें। संत जांबो जी का सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संत जांबो जी, जिन्हें जंबेश्वर भी कहा जाता है, इनके परिवार परिचय से जो प्रश्न बनते हैं, फैमिली इंट्रोडक्शन जो है वो प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो भी आप याद कर पाओगे। हाल ही में एक नया ट्रेंडिंग वे में चल रहे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले सामान्य से प्रश्न पूछे जाते थे किसी भी संत के इंट्रोडक्शन से संबंधित, किसी के गुरु का नाम पूछ लिया, पिता का नाम पूछ लिया, माँ का नाम पूछ लिया, अब थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया जा रहा है। अब जो है आपसे किन्हीं चार संतों के नाम पूछे जाएंगे, सामने उन्हीं चारों संतों के माता पिता का नाम, गुरु का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, इस तरह के क्रॉस मैच का प्रश्न जो हाल ही में थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी वे में इस चैप्टर को प्रिपेयर करें। ओवरऑल शुरुआत करते हैं संत जांबो जी का परिवार परिचय। परिवार परिचय में आपको पिता का नाम याद करना है, इनकी माँ का नाम भी याद करना है, माता जी का नाम, इनके गुरु का नाम, इनकी जाति, इनकी गोत्र, ये प्रश्न बनते हैं सरल से जिनको आपको समझना है संत जांबो जी के बारे में। वीडियो कैसा लगता है प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। संत जांबो जी के पिता का नाम आपसे पूछे, आपको याद करना है लोहट जी। पिता का नाम है लोहट जी, और लोहट जी नाम को ही आप पढ़ते हो, नाम के अंदर एक नाम और आपको मिल जाएगा, हंस आप याद कर सकते हो कि मां का नाम हंसा देवी। हंसा देवी इनकी माता जी का नाम है, ये भी सरल सा परिवार परिचय। माता पिता का नाम याद किया, गुरु का नाम आप याद कर सकते हो गोरखनाथ। गोरखनाथ 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने गुरु गोरखनाथ को बनाया, इनके गुरु जो 16 वर्ष की आयु में गोरखनाथ को इन्होंने गुरु बनाया। संत जांबो जी जो इनकी जाति थी राजपूत, जाति राजपूत, गोत्र इनकी थी पंवार, पंवार गोत्र थी। ये सामान्य परिचय जो फैमिली इंट्रोडक्शन के जो प्रश्न बनते हैं। शादी इन्होंने की नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचार्य इन्होंने अपनाया, ये था सामान्य परिचय संत जांबो जी का। अब संत जांबो जी के जो और प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके जन्म कब हुआ, इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम सीखते हैं। अगली कड़ी में संत जांबो जी का जन्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते रहते वो हम सीखेंगे। संत जांबो जी का जन्म हुआ, जो जन्म तिथि थी हिंदी महीनों के हिसाब से जो तिथि थी वो तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी, इसको एक त्योहार मनाते हो आप कृष्ण जन्माष्टमी। जांबो जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, तो आपसे पूछ ले किस संत का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, चार संतों के नाम पूछ ले ऑप्शन में, तो आप याद कर पाओगे संत जांबो जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। इसी क्रम में डायरेक्ट आपसे पूछ ले एग्जैक्ट, तो वो भी आप याद कर पाओगे 1451 ईस्वी। अब नया ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी पूछा जाता है आपसे, विक्रम संवत डेट पूछ ले कि विक्रम संवत में क्या डेट है, तो आपको इसके अंदर प्लस 57 करना है, जो भी डेट आएगी वो आपको हो जाएगी विक्रम संवत, प्लस 57 आप करोगे इसके अंदर तो जो डेट निकलेगी वो हो जाएगी विक्रम संवत। आप याद कर पाओगे संत जांबो जी का जन्म विक्रम संवत में कब हुआ, तो 1508 में हुआ, और ऐसे पूछ ले नॉर्मली तो आप याद कर पाओगे 1451 ईस्वी में हुआ, प्लस 57 करते हैं विक्रम संवत आ जाएगा, ऐसा आप याद रखें। एक प्रश्न आप ये भी याद किया आपने संत जांबो जी के जन्म
तिथि के बारे में, समय के बारे में, और एक प्रश्न जन्म स्थान का बनता है, वो भी आप याद करने का प्रयास करें। संत जांबो जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो एक गांव याद करना आपको, पीपासर गांव नागौर, पीपासर गांव का नाम है जो कि नागौर में है। तो जन्म स्थान पूछ ले आपसे, जन्म स्थान कौन सा था, आप याद कर पाओगे, पीपासर गांव नागौर, ये जन्म के प्रश्न बनते हैं संत जांबो जी के। रिवाइज करें वापस, संत जांबो जी जिनके जन्म से संबंधित विभिन्न प्रश्न बनते हैं, तिथि पूछ ले, कृष्ण जन्माष्टमी याद करना आपको, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, एग्जैक्ट 1451 ईस्वी याद कर पाओगे, विक्रम संवत 1508 करना आपको, प्लस 57 ऐड करते ही विक्रम संवत आ जाएगा, और स्थान याद करना है पीपासर गांव नागौर। अगली कड़ी में संत जांबो जी द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई, उस संप्रदाय को हम पढ़ते हैं, संप्रदाय का नाम है विष्णोई संप्रदाय। संत जांबो जी द्वारा विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की गई, इसको हम सीखते हैं, समझते हैं। विष्णोई संप्रदाय, संत जांबो जी ने भगवान विष्णु की निर्गुण उपासना की। संत जांबो जी विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं, स्थापना के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं संत जांबो जी के, वो भी आप याद करने का प्रयास करें। संत जांबो जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की आपसे पूछ ली, तो आपको याद करना है एग्जैक्ट तिथि 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई। तिथि कौन सी थी पूछ ले आपसे, तो आप याद कर पाओगे। आप एक त्योहार मनाते हो करवा चौथ का त्योहार, करवा चौथ का त्योहार, और वो होता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, उसके अंदर चार दिन आप ऐड कर लेते हो, करवा चौथ के चार दिन बाद विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई। आप याद कर पाओगे कार्तिक महीना था, कृष्ण पक्ष था, और अष्टमी करना, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई। तिथि और समय आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद करना है, विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 में हुई, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को हुई, और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका प्रवर्तक का नाम है जांबो जी, संत जांबो जी, संत जांबो जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। संत जांबो जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की। इसी विष्णु संप्रदाय का एक और प्रश्न आप याद करें, इस विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई ये आपने याद किया, आपसे पूछ ले कहां पर हुई, एक स्थान आपको याद करना है समराथल धोरा, समराथल धोरा, ये समराथल धोरा जहां पर एक टीला बना हुआ है रेत का, उसके ऊपर बैठकर संत जांबो जी ने तपस्या की थी, उसे धोक धोरा भी कहा जाता है, ये भी आप इंपोर्टेंट प्रश्न याद कर पाओगे। समराथल धोरा जो कि बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, ये इस संप्रदाय का एक मुख्य स्थल है, मतलब यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा सकता है विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहां हुई, कब हुई, किसने की, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। हमने याद किया यहां पर सामान्य परिचय विष्णु संप्रदाय के बारे में, विष्णु संप्रदाय की स्थापना के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे याद करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अगला सेशन जो याद करने वाले हैं, इसी विष्णु संप्रदाय की और क्या क्या विशेषताएं हैं, संत जांबो जी ने जो उपदेश दिए उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो सारे याद करेंगे। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला सेशन हम याद करने वाले हैं संत जांबो जी का सामान्य परिचय हमने याद किया, विष्णु संप्रदाय की स्थापना का सेशन हमने याद किया, और विष्णु संप्रदाय के कुछ एक नियम, विष्णु संप्रदाय के उपदेशों के बारे में प्रश्न, वो सारे सेशन जो बनते हैं वो हम याद करने का प्रयास करेंगे। अब अगला सेशन एक और याद करें आप, संत जांबो जी जिनकी जाति राजपूत थी, परिवार परिचय याद किया आपने, गुरु का नाम याद किया, आज भी ब्रह्मचारी रहे, विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। अब विष्णु संप्रदाय के नियमावली के जो प्रश्न बनते हैं वो आपको याद करना है, तुलनात्मक याद करना थोड़ा। संत जांबो जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, उस विष्णु संप्रदाय के अंदर 29 नियम चलाए, 29 नियम बताए, 29 नियम किस संप्रदाय की विशेषता है आपको याद करना है, विष्णु संप्रदाय तुलनात्मक आप याद कर पाओगे। 42 नियम पूछे आपसे तो याद करना चरणदासी संप्रदाय, 42 नियम पूछे चरणदासी संप्रदाय करना आपको, 36 नियम पूछे जसनादी संप्रदाय याद करना है, और 29 नियम पूछे विष्णु संप्रदाय आप याद कर पाओगे। 29 नियम चला है संप्रदाय,
जिस स्थान पर जाम्बू जी ने उपदेश दिए, वो उपदेश देने वाला जो स्थान है, उपदेश स्थल, उस स्थान को कहा जाता है कर पाओ याद सथारी नाम आपको याद करना है, जो आप याद कर पाओगे उपदेश स्थल सथारी कहलाता है। एक और प्रश्न याद करें आप, संत जाम्बू जी ने 29 नियम चलाए, संत जाम्बू जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, और संत जाम्बू जी द्वारा जो उपदेश दिए गए वो जिन ग्रंथों में संग्रहित है उन ग्रंथों के नाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ एक ग्रंथों के नाम आप याद करें। एक ग्रंथ का नाम है जम्ब सागर, जम्ब सागर जो है, इस जम्ब सागर ग्रंथ के अंदर 29 उपदेशों का संग्रह मिलता है। जम्ब सागर ग्रंथ को जो व्यक्ति पढ़ता है, इसका जो वाचन करता है, उस व्यक्ति को संबंधी कहा जाता है। वाचन करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति करता, वाचन करता जो होगा इसका, उसे संबंधी या गायणा कहा जाता है। जम्ब सागर ग्रंथ जो है उसको पढ़ने वाला व्यक्ति गायणा या संबंधी कहलाता है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम आप याद कर पाओगे, जम्ब संहिता, दो ग्रंथ इसी कड़ी में। तीसरा ग्रंथ आप याद करें विष्णुई धर्म प्रकाश, चौथा ग्रंथ आप याद करें फोर्थ नंबर, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, और एक और ग्रंथ है 120 वाणियां। जैसा आप याद करते हो 24 वाणियां जो ग्रंथ है वो लोक देवता रामदेव जी का कविताओं का संग्रह है, वैसे वैसे 120 वाणियां इनका उपदेशों का संग्रह है, ये भी आप याद कर पाओगे। और एक और नाम आप याद कर पाओगे, जम्ब गीता। ये जम्ब गीता जो है इसके अंदर जाम्बू जी की वाणी का संग्रह संकलित है, वाणी संकलित है इस ग्रंथ के अंदर। जम्ब गीता को, जम्ब गीता को विष्णु संप्रदाय के लोग पांचवा वेद भी कहते हैं, इन सारे ग्रंथों में से पांचवा वेद ये कहलाता है। अब ये कुछ एक साहित्य के प्रश्न जो बनते हैं संत जाम्बू जी के बारे में, वो भी आप याद कर पाओगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसी कड़ी में, हम अगला याद करते हैं। अगला प्रश्न आप याद कर पाओगे, उपदेश स्थल हमने याद किया, और ये जो साहित्य के प्रश्न हमने याद किए, जो ग्रंथ जो थे जानकारी ग्रंथ वो भी हमने याद किए। अगली कड़ी में संत जाम्बू जी द्वारा जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की गई, इस विष्णु संप्रदाय के बारे में और जो प्रश्न बनते हैं, संत जाम्बू जी के और जो प्रश्न बनते हैं वो हम याद करने का प्रयास करेंगे। संत जाम्बू जी से दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी प्रभावित हुआ, सिकंदर लोदी जो है गौ हत्या पर बैन कर लगा देता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है जाम्बू जी के कहने पर। जाम्बू जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने गौ हत्या प्रतिबंधित की, वही सिकंदर लोदी है जिसे जिसके द्वारा संत जसनाथ जी को तो एक जागीर दी गई थी कतरेसर गांव बीकानेर के अंदर, और वही सिकंदर लोदी है जो जाम्बू जी के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाता है। जाम्बू जी के दर्शनीय स्थल जो उन्हें प्रमुख दर्शनीय स्थल आप याद कर पाओगे, पीपासर गांव, लालासर गांव, रोटू, रोटू गांव जो कि नागौर के अंदर है, और रोटू गांव के अंदर जाम्बू जी द्वारा आखा तीज के दिन माया भरा गया था। एक बहन का नाम आप याद कर सकते हो, उमा देवी का की बाग भरी गई थी, मायरा भरा गया था, और वो मायरा भरने के लिए जाम्बू जी खुद गए थे रोटू गांव नागौर के अंदर। उस रोटू गांव के अंदर जब जाम्बू जी उतरे पहली बार, उस गांव के अंदर जो आज चरण रखा इन्होंने, वहां इनके पद चिन्ह बन गए, तो उनके पद चिन्ह आज भी अंकित है, वो उसी रोटू के इस मंदिर के अंदर स्थित है। इसी रोटू गांव के अंदर जाम्बू जी ने बहुत सारे परिचय दिए। उस क्रम में एक ये भी आप याद कर पाओगे, जाम्बू जी ने एक सूखे वृक्ष को हरा भरा कर दिया। जाम्बू जी ने वहां लगभग 3,700 के आसपास खेजड़ी वृक्ष लगवाए। ये जाम्बू जी इस गांव में जब गए तो उनके साथ साथ मेवाड़ का राणा सांगा उनके साथ थे, जोधपुर के राव जोधा उनके साथ थे,
और मेड़ता के जो शासक थे राव दूदा, उनको भी उन्होंने पर्चा दिखाया। राव दूदा के पास एक लकड़ी की तलवार थी, लकड़ी की तलवार को जांबोजी ने अष्ट धातु की तलवार में कन्वर्ट कर दिया, चमत्कार दिया और इस तरह का पर्चा दिखाया राव दूदा को। इस प्रकार से राव दूदा, राव जोदा, राणा सांगा, विभिन्न राजा उस समय के तत्कालीन शासक संत जांबोजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो संत जांबोजी की शरण में आने वाले बहुत सारे शासकों के नाम आपसे पूछ ले तो 6 शासक आप याद कर पाओगे। एक शासक का नाम था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया वो भी इनके शरण में आया। संत जांबोजी के शरण में आने वाला मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, मेड़ता का शासक राव दूदा था, मारवाड़ का शासक सातलदेव भी था, राव जोदा भी था, और इसी कड़ी में जैसलमेर का शासक एक है जैत सिंह नाम, ये भी इनका अनुसरण करता है, इनको इनके शरण में आता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं तो ये भी आप सारे याद कर पाओगे। ये सामान्य परिचय ने याद किया संत जांबोजी के बारे में। तो रोटू गांव जो कि इम्पोर्टेंट है, जहां खेजड़ी वृक्षों का को लगाया जांबोजी द्वारा, और जांबोजी की पदचिन्ह इसी गांव के अंदर अंकित है, और एक मंदिर भी बना हुआ भव्य रोटू गांव नागौर। आखा तीज को इन्होंने मायरा भरा था इस गांव के अंदर। पिपासर, लालासर, रोटू, जांगलू, और अगला सेशन एक और आपको याद करना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इस कड़ी में अगला जो सेशन हम याद करने वाले हैं वो और भी इंपोर्टेंट रहने वाला है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। और अगला सेशन जो रहेगा वह संत जांबोजी के बारे में हम कुछ और प्रश्न याद करेंगे। ये कुछ एक दर्शनीय स्थल थे जो हमने याद किए, पीपासर, लालासर, जांगलू, रोटू, और ये सारे प्रश्न जो बनते हैं बहुत बार एग्जाम। अब संत जांबोजी का एक प्रश्न ये भी याद करें, संत जांबोजी पहले संत हुए जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई। आपसे पूछ ले पेड़ काटने पर रोक किस संत द्वारा लगेगी, याद कर पाओगे आप संत जांबोजी द्वारा लगेगी। संत जांबोजी ने जो इनको पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है, विश्व पर्यावरण के प्रेरणा भी ने कहा जाता है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी विष्णु समाज है जो पर्यावरण का अति प्रिय है। विष्णु समाज के अंदर अमरतादेवी विष्णु के नेतृत्व में 363 महिलाएं शहीद हुई खेती वृक्ष की रक्षा करते हुए। तो मतलब वृक्षों के लिए अपने शरीर को भी इस समाज के लोग त्याग देते हैं, बलिदान देते हैं। इतना भव्य समाज, इतना पर्यावरण प्रेमी समाज, इसकी व्यवस्था संत जांबोजी द्वारा की गई। तो संत जांबोजी द्वारा जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की गई, ये विश्व का मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा संप्रदाय होगा जो कि पर्यावरण का इतना बड़ा प्रेमी है। तो आप याद कर पाओगे संत जांबोजी के प्रश्न जो हमने याद किए। पर्यावरण प्रेमी संत ने कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है इन्हें। संत जांबोजी को का जो जन्म हुआ वो कृष्ण जन्माष्टमी को वादने कृष्ण अवतार भी कहा जाता है। संत जांबोजी विष्णु के उपासक थे, विष्णु की निर्गुण भक्ति की इन्होंने, तो इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो संत जांबोजी के विभिन्न प्रश्न हमने याद किए। ये जो संत जांबोजी का एक और प्रश्न आप याद करें, हमने याद किया संत जांबोजी का जन्म, संत जांबोजी की जो स्थापना हमने याद की इसकी विष्णु संप्रदाय की। अगली कड़ी में संत जांबोजी की समाधि जो है वो आपको याद करना है, मुकाम गांव, मुकाम तालसा, ठीक है, जो कि नौखा मंडी में आप याद कर पाओगे। नौखा मंडी बीकानेर, नौखा मंडी बीकानेर में मुकाम गांव है, और इस गांव को मुक्ति धाम मुकाम भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है इस विष्णु समाज का, विष्णु समाज का, विष्णु संप्रदाय का। इस स्थान को विष्णु समाज का कुंभ भी कहा जाता है, विष्णु संप्रदाय का कुंभ, विष्णु संप्रदाय का कुंभ भी इस स्थान को कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में और आश्विन महीने में, फाल्गुन और आश्विन महीने की अमावस्या को, फाल्गुन और आश्विन महीने की अमावस्या को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है, और विष्णु समाज के लोग भाग लेते हैं इस गांव के अंदर, मुक्ति गांव नौखा मंडी बीकानेर के अंदर। इस गांव के अंदर संत जांबोजी की समाधि बनी हुई, यहाँ मंदिर भी बना हुआ संत जांबोजी का। तो संत जांबोजी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है वो मुकाम गांव बीकानेर के अंदर, ये भी आप याद कर पाओगे जल्दी फटाफट। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। और ये सरल सा शासन था, आप याद कर पाओगे। संत जाम्बा जी का जो जन्म हुआ हमने याद किया था 1451 ईस्वी में, और इन्होंने जो समाधि इनकी जो है 1526 ईस्वी में, आप याद कर पाओगे। ये था सरल शासन संत जाम्बा जी का सामान्य परिचय। संत जाम्बा जी के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं वे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कर पाओगे यार, सरल सा इंट्रोडक्शन था संत जाम्बा। आज के इस वीडियो में हमने संत जाम्बा जी के कुछ एक प्रश्नों का समझने का प्रयास किया, विष्णु संप्रदाय को पढ़ने का प्रयास किया।